अगर आपको ट्रैवल व्लॉग्स पसंद नहीं है तो आई रिक्वेस्ट कि बस 2-3 मिनट इस वीडियो को दीजिए, शायद वो आपको पसंद आने लग जाए। और अगर आपको पसंद है तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए घुमक्कड़ गगन ट्रैवल व्लॉग में। आज मैं खड़ा हूँ सुरु वैली में, जो कि एंट्री पॉइंट है हमारे डेस्टिनेशन ज़ांस्कार का। लेकिन इस ट्रिप पे मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ दो और लोग हैं। पहले शख्स हैं विकास योगी जी और दूसरे हैं मिस्टर ललित राणा, और हम सबकी कंपेनियन है MG हेक्टर पेट्रोल CVT। अब ये सफर जयपुर से शुरू हुआ था, लेकिन वी ऑल डिसाइडेड कि 1300 किलोमीटर दूर सुरु कारगिल में ही पहला प्रॉपर हॉल्ट लेंगे। हेक्टर की कमाल की राइड क्वालिटी, हाईवे स्टेबिलिटी और स्पेस की वजह से वी न्यू कि ये लॉन्ग स्ट्रेच जो है वो कोई खास इम्पैक्ट जो है वो नहीं डालेगा, कोई खास थकान हमें जो है नहीं होने वाली है। तो दैट्स हाउ यू कैन से कि हमारा ट्रिप सुरु से शुरू हुआ, और आगे के लिए हम लोग काफ़ी स्लो और स्टेडी जाने वाले हैं, ना सिर्फ नज़ारे एंजॉय करने के लिए बल्कि कुछ और रीजंस की वजह से भी, आपको पता चलेगा। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप तो खाना वाना शुरू हो गए देखते हैं। सल्ट आ चुके हम अपना। बहुत बढ़िया, क्या प्लान फिर ज़ांस्कार के मुंह पे बैठे हम? अब ज़ांस्कार के मुंह पे बैठे ही हैं, लद्दाख आ ही गए हैं। हम सोचे ब्लॉगर ही बन जाए। आज सुबह उठे मन किया ब्लॉगर बन जाते। बहुत बढ़िया, इससे बेटर लोकेशन हो नहीं सकती। बहुत बढ़िया। बट ऑन अ सीरियस नोट, मैं बहुत लंबे टाइम से सोचा था, बहुत सारे वीडियोस देखे, पिक्चर्स देखे। फुटकल मॉनेस्ट्री, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, शायद फुटकल या ऐसा कुछ है, वहाँ जाना है। और मेरे जैसे लेजी आदमी के लिए वहाँ जाना मतलब चार धाम की यात्रा ऑलमोस्ट पूरी हो जाएगी। तुम्हारा क्या प्लान है? मतलब ऐसा कोई खास प्लान तो नहीं है, बट वही है कि देखो जयपुर में ऐसे स्काइज तो मिलती नहीं, क्लियर स्काइज, तो सिंपल सी बात है। You'll never been to summer. अब इतना दूर आए हैं और नाइट फोटोग्राफी नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल, ये तुम्हारी बात मैं कब से सुनता आ रहा हूँ, नाइट फोटोग्राफी करनी है। चलो इसका नाइट फोटोग्राफी ऑल तो हो जाएगा। मुझे आपके वाले पे डाउट हो रहा है, फुटकल जाने के लिए ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से बताते हैं कि 8 किलोमीटर की वॉक ऐसे, मतलब जान रास्ता नहीं है, 8 किलोमीटर ऐसे पहाड़ वहाड़ चढ़ो टाइप, ऐसा सुना है, पता नहीं ऐसी क्या होता। बाकी देखो चलते हैं, फुटकल कट रहा है तो करेंगे। आपका क्या प्लान है? मेरा कोई प्लान नहीं है जी, अपन ड्राइवर है। हाँ बताओ, उधर चलेंगे हम, गड्डी कट ले। हाँ गड्डी कर लेते हैं साहब। मैंने भले ही ये बोल दिया कि मेरा कोई प्लान नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये पूरा ट्रिप मेरा ही आइडिया था। मुझे ज़ांस्कार जाके वहाँ के लोगों की दिनचर्या देखने के लिए, वो डेली क्या करते हैं, उसका थोड़ा सा फ्लेवर देना था, और या कह सकते हो थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे उनकी लाइफ का लेना था। शुरू के बाद नज़ारे अद्भुत हो जाते हैं और रास्ते दुर्गम, बेहद ही दुर्गम। कुछ कुछ पॉइंट पे तो ऐसा लगता है कि एक 4x4 से ही ये करना पॉसिबल होगा, लेकिन अगर आपके पास में एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस वाली फ्रंट व्हील ड्राइव कार, जैसे कि हमारे पास थी, वो भी है, तो भी आप हल्की फुल्की स्किल्स के साथ उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो हम रंगदुम पहुँच रहे हैं, और रंगदुम जो है यहाँ तक मैं पहले आ चुका हूँ। तो एक्चुअली ज़ांस्कार जाने के 3 मुख्य रास्ते हैं, उड़ के भी जा सकते हैं जैसे मैप जा रहा है। ओह माय गॉड, बहुत तेज हवा है। तो 3 मुख्य रास्ते हैं ये जो आप देख पा रहे हैं। कारगिल, कारगिल के जस्ट पास में ज़ांस्कार माउंटेन्स लिखा हुआ है। तो ये जो कारगिल से हम आए हैं, ये जो इम्पोर्टेंट रोड यहाँ बनी हुई है, मतलब मार्किंग जो है, पदम लिखा हुआ है, पदुम एक्चुअली ये। सो पदुम हम जा रहे हैं, ये वाली रोड हमने ली है, ये मोस्ट यूजुअल रूट है। करेक्ट। बट आप ये देख पा रहे हो ये नदी, ये जो बह रही है, जाप लिंगुती जो भी नाम लिखा हुआ है, एक्चुअल नदी का नाम नहीं मुझे था, जो एक्चुअली सीधा हिमाचल बॉर्डर पे खुलती है। ओके। ये नदी के साथ साथ एक और रूट है जो नया है, 2 साल पहले ही खुला है, कहते हैं बहुत मुश्किल है, विल ट्राई, दिस इज द मोस्ट यूजुअल रूट। हम जो ले रहे हैं वो मोस्ट अनयूजुअल रूट है। एक और रूट है जो कि आपको ये जस्कार लिखा हुआ है, एक्चुअली ज़ांस्कार है, पता नहीं मैप किसने बनाया है। तो ये ज़ांस्कार रिवर जो है उसके सारे जाते जाते लामायुरू नाम की एक जगह है, जो लेह से सम 80-90 किलोमीटर दूर खुलती है। वो रूट भी बहुत पुराना तो नहीं कहूँगा मैं, बट काफ़ी पुराना है, लोग काफ़ी लेते हैं उसको। सो लोग यूजुअली ज़ांस्कार ऐसे घुसते हैं और लेह की तरफ निकल जाते हैं। तो अगर हम उस रूट पे नहीं जा पाए जो मोस्ट अनयूजुअल रूट है, तो हमारा नेक्स्ट रूट जो है वो वाया लेह होगा। ये रूट क्लियर है हमारे लिए, तो चलते हैं, रात लग हो जाएगी हमें पहुँचने में।
तो रंगदुम से पदुम का रास्ता जो है वो हम सब के लिए नया था, तीनों के लिए, और काफ़ी खुले पैचेस भी मिले और काफ़ी ख़राब सड़कें भी मिली। मतलब अगले 80 किलोमीटर करने में हमें 6 घंटे लग गए, रात हो गई, बट ये जो टाइम था वी यूटिलाइज्ड इन डिसाइडिंग कि किस दिन हमें क्या करना है, इसीलिए आगे के वीडियो के हमने 3 हिस्से कर दिए। पहला हिस्सा मेरे एक्सपीरियंस का। ओके, तो कल रात रास्ता बहुत ख़राब था जब हम आ रहे थे, और गाड़ी जो है वो पूरी गंदी हो गई है, प्लस होटल ढूंढते मतलब ऑलमोस्ट जब ये हमने होटल फाइनल किया था उससे एक आध किलोमीटर पहले टायर जो है वो मैंने गलती से एक पाइप पे चढ़ा दिया था, तो पाइप जो है वो बेसिकली इधर जो रियर लेफ्ट टायर होता है उस पर लगा और अंदर की तरफ कट आ गया। नाउ रन फ्लैट, रात को 12 बजे की बात है, फिर जो है एक जुगाड़ किया गया, लॉक खोलूँ तो जुगाड़ जो है मैंने किया वो मुझे ये देखना है टायर प्रेशर गेज लेके बैठा हूँ कि हमारे अभी भी टायर में प्रेशर है या नहीं है। पहले मैं उधर वाले में चेक करता हूँ बिकॉज इधर वाला सेम टायर प्रेशर, आओ उधर देखते हैं। डूड वर्किंग, मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली हमने, और ऐसा नहीं पंचर तो कोई बना सकता है, लेजेंडरी बात उस पंचर की ये थी कि वो पंचर अंदर की साइड हो रखा था और हमने बिना जो कहते हैं ना कि टायर खोले या व्हील खोले वो पंचर बना दिया था। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ कहीं था वो पंचर। एनीवे, अब एक्सप्लोर करने का वक्त है जानस्कार, और सबसे पहली चीज़ जो हमें एक्सप्लोर करनी है वो है कार वॉश, बिकॉज हमारी कार गंदी हो रही है बहुत ही बढ़िया तरीके से, पहले वहाँ चलते हैं। हमें कार वॉश होटल के बाजू में ही मिल गया, और सुबह जब हम उठे तो हमें ये भी रियलाइज हुआ कि पदुम हमारी उम्मीदों से काफ़ी ज़्यादा बड़ा टाउन है। मेनली आपको यहाँ पे मुस्लिम और बुद्धिस्ट पॉपुलेशन मिलेगी, और तिब्बतियन कल्चर अगर आपको देखना है, वो फील करना है, तो वो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट हर जगह पे आएगी। मैं घूमते घामते एक खेत में जा पहुँचा एक लोकल से बात करने, उन्हें ये पूछने कि भैया यहाँ का खान पान और यहाँ के घरों के बारे में अगर वो मुझे कुछ बता सके तो। नहीं बट लकड़ी वाला गर्म नहीं रहता था, ये तो ठंडा होता होगा। हाँ, वो मिट्टी का गर्म रहता है, मिट्टी का गर्म रहता है ना, ठंडा होता है ना। हाँ, अब पहले लोग वही गर्म के लिए मिट्टी का ही बनाते हैं। हाँ, अब नहीं बनाते, थोड़ा चेंज हो गया ना। हाँ, मौसम भी चेंज हो गया, कहाँ ठंड रहा था, अब इतना ठंड नहीं पड़ता, ठंड नहीं होता है, बर्फ ही कम पड़ते हैं। जब हम बच्चे थे तो हमारे हाइट के बराबर बर्फ होता था, अब आजकल कहाँ इतना होता है, बस इधर होता है 3-4 बस। सही सही, तो यहाँ क्या क्या फसल क्या क्या और होता है? ये तो ज्वार हो गया, गेहूँ मटर, गेहूँ वही 3 फसल होते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा ज़माने से वही होता जा रहा है, अब आजकल थोड़ा सब्जी लगाते हैं लोग, सब्जी लगाते हैं। और सर्दियों में तो कुछ होता नहीं इधर, बर्फ होती है, बड़ा ही बर्फ, जो 6 महीने बर्फ रहते हैं, जो होता है इन 6 महीनों में होता है। तो चाय वगैरह यहाँ पीते हैं क्या? चाय नमकीन पीते हैं ना, नमकीन चाय पीते हैं ना इधर, बहुत पीते हैं, हमें कहीं मिला नहीं अभी तक, हमें पता तो था मिला नहीं अभी तक। ओके जी, तो तेंजिंग जी ने अपने तेंजिंग जोंगपा जी ने अपने फार्म पे हमें गर्म चाय ऑफर करी है। यार लोकल फूड नहीं खाया आपने आके तो क्या किया, और गर्म चाय ऐसे ही पी जाती है बट मज़ा आता है सत्तू के साथ। सत्तू जो है इट्स अ काइंड ऑफ फूड, मतलब ये मिक्स करो चाय पियो और आप एक अच्छा खासा फूड जो है वो आप ले लेते हो। और जानस्कर आके अगर आपने लोकल फूड नहीं खाया तो आके क्या मतलब फिर। तेंजिंग जोंगपा जी की चाय ने मेरी तिब्बतियन फूड की भूख को और बढ़ा दिया, और हम सब ने उसके बाद में रेस्टोरेंट्स जाके तुपका और कई सारे फूड्स जो है वो ट्राई किए। उसके बाद में हम निकल पड़े फिर से सैर सपाटे पे। हेलो एमजी, शो मी मैप्स। मार्केट में घूमते घूमते बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मिली, नोटिस बोर्ड, जिस पे नोटिस लगाए जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज अगर लोगों को बतानी हो, गांव वालों टाउन वालों को बतानी हो तो यहाँ रखा दी जाती है। तो बहुत एक साइबर कैफे भी है वहाँ पे, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको अब यूजुअली देखने को नहीं मिलती कहीं पे भी, वो यहाँ पे है। मैंने 2 दिन पदुम को एक्सप्लोर किया और काफ़ी लोगों से मिला और काफ़ी सुंदर जगहें देखी। ऑनेस्टली पदुम जो है वो जैसा कि लोगों को लगता है लेह से काफ़ी सिमिलर होगा, 2 ट्रेन आपको एक बार की सिमिलर नज़र आएगी, बट स्टिल काफ़ी अलग फील है जंस्कार के इस छोटे से टाउन पदुम की।
फिर एक दिन का रेस्ट लेने के बाद हम निकले विकास ब्याह की विश पूरी करने फुकतल गोंपा की ओर। तो जी बात ऐसी है कि फुकतल जा रहे हैं हम, और फुकतल का रास्ता हमें पड़ेगा 3 घंटे का, मतलब तो 3 घंटे कार से, फिर 3 घंटे 2 घंटे जितने भी हमारा स्टेमिना हमें अलाउ करे उतना ट्रैक करके हम पहुंचेंगे फुकतल मॉनेस्ट्री। नाउ इट्स बेटर बी गुड, अदरवाइज विकास ब्याह जो है वो बहुत ही डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा डर उन्हीं को लग रहा है कि वो 3 घंटे चलेंगे या नहीं चलेंगे। विकास ब्याह चलोगे नहीं चलोगे? अरे डर वर नहीं है बेटे, हमने असली घी खाया हुआ है, तुम क्या फालतू की बातें कर रहे हो हमसे। माय गॉड, टॉल क्लेम्स, बताता हूँ आपको मैं। वैसे कार से जाने का भी रास्ता अच्छा नहीं है, 50 किलोमीटर लगभग 60 किलोमीटर है पदुम से पूर्णे, और सिर्फ 20 किलोमीटर रोड है, उसके बाद 40 किलोमीटर तहस नहस रोड है, सी क्या होता है। ओके, तो 2.5 घंटे ड्राइव करने के बाद में हम यहाँ पहुँचे, एक बहुत ही बड़ा सा खाली सा एरिया है, और जैसा डिस्क्रिप्शन दिया गया था कि यहीं से आपको वॉक करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है कि यहाँ से कहाँ जाना है, हमें ये ट्रेल एक दिख रही है जाती हुई, और ये हमने अज्यूम किया और हम यहाँ रुके, और फिर हमने सैटेलाइट कम्युनिकेशन का माध्यम अपनाया, और वो वहाँ पहाड़ पे कुछ लोग बैठे हैं कुछ काम कर रहे हैं, हमने उनसे चिल्ला चिल्ला के पूछा भैया इधर ही है क्या, तो बोलते हैं हाँ इधर ही आप जाओ आगे, पैदल आपको लगेंगे 2.5 घंटे के लगभग, 2.5 घंटे। जुले जुले कितना दूर है आगे? ज़्यादा ये ज़्यादा है, दैट मीन्स ये कम लाइक 30% 70% जाना है अभी, 40 मिनट हो चुके हैं। यू सी दिस, एक और रास्ता। वेल इस पॉइंट पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम गलत आ गए, हमने एक पुराना रास्ता ले लिया है जो ऑलमोस्ट 300 मीटर ज़्यादा के एलिवेशन पे है और 2 किलोमीटर लंबा भी है। ये चीज़ जाते वक्त तो सिर्फ उतरना ही था तो ज़्यादा परेशानी नहीं थी, लेकिन असली स्ट्रगल वापस आते वक्त होगा। खैर, इट ऑल बिकम्स वर्थ जब आप गोंपा की पहली झलक देखते हो, अद्भुत। फुकतल, फुक का मतलब केव होता है, तल का मतलब लेजर, इनफैक्ट इस पूरी मॉनेस्ट्री को फुकथर भी कहा जाता है जिसका मतलब होता है केव ऑफ लिबरेशन। इस मॉनेस्ट्री या गोंपा का ये हनीकॉम्ब सा स्ट्रक्चर बेहद ही फैसिनेटिंग है। यहाँ के केव्स में मंक्स 2500 साल से मेडिटेशन करते आ रहे हैं, हालांकि गोंपा का कंस्ट्रक्शन जो है वो 15वीं सेंचुरी के आसपास ही हुआ था, 15th century। जिस दिन हम पहुंचे उस दिन यहाँ पे रहने वाले 50 से 60 मंक्स पास के ही किसी गांव में एक विजिट पे गए थे, बट एक मंक जो उस वक्त पूरी मॉनेस्ट्री की केयर टेकर थे, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हमें दिखाई और बताया कि फुकतल के बारे में और क्या क्या चीज़ें फेमस है या वो किस लिए जानी जाती है। है तो बढ़िया जगह, ठीक है, थोड़ा परेशानी हुई आने में नहीं, बट बहुत बढ़िया लगा। मैं एक्चुअली थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हम रहे, वो हमें मंक्स मिले नहीं, अदरवाइज वो क्या होता है लाइव फील होता है ना कि वो बटर लैम्प चलाते हैं लोग, वो स्मेल और वो सब लोगों का एक साथ बात और वो सब अच्छी लगती है, बट वो अपन मिस कर गए। बट स्टिल मतलब जो देखा वो, बट वो एक्सक्लूसिविटी हो गई ना आपके पास, हाँ, कि कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था पूरे, हमने देखा, ये बात भी है, ये पॉइंट सोचा नहीं हमने। तो अब आपका एक्सपीरियंस हो गया, बारी है राणा साहब की, राणा साहब नाइट फोटोग्राफी दिखाएंगे, राणा साहब सर्दी में मारेंगे, बट थोड़ा सा बादल हो रखे हैं, राणा साहब की किस्मत अच्छी नहीं है ज़्यादा, हमेशा की तरह। चलो चलते हैं, अब वापस पहुँचेंगे क्या अपन आराम से? पहुँच जाएंगे, आ भी तो गए ना, अब चले भी जाएंगे। आए तो नीचे उतरे हैं, जाते रहे, ऊपर चढ़ना है। हमें रास्ते में मिलने वाली चढ़ाई का सोच के डर लग रहा था, बट जाना तो था ही। उस रात हम सब घोड़े बेच के सोए थे और होटल के बाहर अगली रात कोई निकले। तो विक्की भैया जी, भैया आज का काम है सिर्फ ललित का, अपना काम क्या है? कैंपिंग करेंगे भैया, आलंग कितनी तेज हवा में जलेगा नहीं जलेगा पता नहीं, जलेगा जलेगा सर, आग लगा देंगे। ओहो लग गई सर, लग गई है। ओहो आप क्या लाए हो चाय में हमारे पास? हमारे पास है देसी कावा।
देसी कावा, मज़ा आ जाएगा आपको पी। आज अपन ने, आप बैठो। ओके, दिन बहुत अच्छा चूज़ किया आज अपन ने। ऐसा क्यों, आपने नोटिस नहीं किया अभी तक? आज अमावस की रात है। अमावस की रात, क्या बात है। दो भूत साथ। ओह माय गॉड। अरे बढ़िया गर्म है यार, तो काफ़ी लग्जरी हो गई। लेकिन चेयर आप ही के पास क्यों, मेरे पास क्यों नहीं है? बैग वैग, मैं पत्थर पे बैठ जाता हूँ सर। आप धरती पुत्र हैं सर। हम सर जमींदार हैं, नीचे बैठे हैं जमीन पे। गांव वाले देख रहे होंगे दूर, बोले आज जंगल में आग लग गई। वैसे इन लोगों को आदत होगी नहीं, वैसे यहाँ पे आग लगना बहुत मुश्किल है वैसे। हाँ एग्जैक्टली, मुझे ही नहीं लगने के लिए, पत्थर है सिर्फ। नहीं इनको पता भी होगा ना कि लोग आते हैं कैंपिंग करते टाइप से। कैंपिंग के लिए एक्चुअली अच्छी जगह, बशर्ते आप ये कचरा यहाँ ना छोड़ के जाएं। जी चलो देखते हैं ललित क्या कैप्चर कर रहा है। चलिए। तो जब हम अलाव और चाय का लुफ्त उठा रहे थे, तब ललित जी सेटअप कर रहे थे अपना कैमरा, और जब सब कुछ रेडी हो चुका था तब हमने आग बुझा दी और कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिले। How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. I wonder. ये था हमारा जांस्कार का सफर विद एमजी हेक्टर पेट्रोल सीवीटी। बेहद ही स्मूथ कार है, बेहद ही स्मूथ इंजन है, काफ़ी रिफाइंड सस्पेंशन में लाजवाब, कोई तोड़ ही नहीं है इस सेगमेंट में, और साथ ही में फीचर से लोडेड। फिलहाल के लिए इतना ही, इस वादे के साथ में कि मैं आपसे फिर मिलूंगा अपने घुमक्कड़ गगन अवतार में जल्द ही।